भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए अटल गौरव पार्क में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। प्रधानमंत्री रहते हुए भी एक महान कवि विद्यमान था। उन्होंने जब 22 दलों की सरकार चलाई थी सभी दलों के मुखिया से यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि सभी एनडीए के एजेंडे पर चलते हैं उनके साथ देते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम अपना रास्ता स्वयं तय कर लेंगे, लेकिन जनता का शोषण नहीं होने देंगे। हापुड़ से संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनके आह्वान पर सुशासन दिवस के रूप में इस जयंती दिवस को मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। हम सब के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं के नेतृत्व में केंद्र में बनी। तीन तीन बार वो प्रधानमंत्री रहे और गैर कांग्रेसी दल के द्वारा 5 वर्ष का कार्यकाल यदि पूरा किसी ने किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। उनके द्वारा स्थापित मील के पत्थरों का वर्णन आज हम उनके जयंती के अवसर पर निश्चित रूप से करेंगे, चाहे वो चतुर्मुख योजना के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की योजना हो, चाहे नदियों को नदियों से जोड़ने की योजना हो, चाहे इस देश में संचार क्रांति लाने का काम हो, चाहे देश की सीमाओं को मजबूत करने का काम हो, चाहे देश के सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने का काम हो, चाहे इस देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति को बढ़ाने का काम हो, ये सारे काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने शुरू किया। और वर्तमान में हम सब के नेता श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनको साकार करने का काम कर रही है। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की हो, हम सुशासन देते हैं, इसलिए सुशासन दिवस मनाते भी हैं।